है। टीजे सर कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम एक नया सब्जेक्ट बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, जो किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस आती है उसमें एक या दो नंबर आपको दिलाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त परिसंचरण, मानव रक्त परिसंचरण, आज का हमारा टॉपिक है मानव रक्त परिसंचरण। सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव रक्त परिसंचरण की जो खोज करता था का वैज्ञानिक थे हमारे हर्वे हर्वे थे। मानव रक्त परिसंचरण खोज की है वो विलियम हर्वे ने की। आगे जाते हैं, आगे हम देखते हैं रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्या सबसे पहले हमको उसके बाद हमको रक्त, उसके बाद हमको धमनी, उसके बाद हमको उसके बाद हमको केसिका, ये पढ़ने। रक्त परिसंचरण में हमको सब हृदय पढ़ना है, सबसे पहले हमको हृदय पढ़ना है, उसके बाद हमको रक्त पढ़ना है, उसके बाद हमको धमनी, उसके बाद सिरा, उसके बाद हमको का पढ़ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। रक्त परिसंचरण क्या होता है? हमारी बॉडी में रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। हमारे पैर से लेके और सिर तक रक्त का क्या होता है? परिसंचरण। रक्त के परिसंचरण में तो जो मैंने लिखे ये क्या है? ये अपनी भूमिका को निभाते। आगे चलते हैं। हम सबसे पहले पहला ही पॉइंट को ले के बारे में हम आज बात। लिखा हृदय, हृदय क्या होता है उस बात करते हैं। मानव हृदय एक एक केंद्रीय अंग है। मानव हृदय एक केंद्रीय अंग, मानव हृदय एक केंद्रीय अंग। तो मानव का जो हृदय, अगला पॉइंट, मानव का हृदय एक पंप की तरह, पंप की तरह कार्य करता है। हमारा जो हृदय होता है एक पंप की कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखते हैं, मानव हृदय का वजन तो मानव का जो हृदय का जो वजन है वो 300 ग्राम का होता है, मानव हृदय का आकार होता है, आकार वो शंकु के आकार का होता है, आकार का होता है।
तो मानव के हृदय का जो आकार है वो एक संकोच होता है, जैसा होता है, जैसे कि हमारी एक, जैसे कि हम देखते हैं हमारी जैसे बंद मुट्ठी रहती है, तो हमको दिखाई देता है। आगे देखते हैं अपन, मेरे साथियों हम हृदय का ऐसा डायग्राम बनाएंगे आप लोगों को समझ में आए। देखिए एक तो बाहरी संरचना होती है, एक आंतरिक संरचना होती है। मैं आप लोगों को आंतरिक संरचना बताऊंगा, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो हर हर बात आपको समझ में आएगी। डायग्राम की बात कर लेते हैं, कि जितने अंग है जो रक्त परिसंचरण भाग लेते हैं तो हम क्या करते हैं अलग करके देखते हैं, लग करके हम डायग्राम बना लेते हैं। आपने ऐसा आया होगा डायग्राम बना ले, प्रकृति कारण हृदय कहा जाता है, प्रकृति पर दोस्तों हमारे अंदर डायग्राम बना बड़े होते तो होते सही। क्या करते हैं फेफड़े ऑक्सीजन का आती है कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर मैं दो डायग्राम आती है शरीर के जो पार्ट है वो हमने अलग अलग कर दी अलग अलग। मेरे दोस्तों देखते हैं, देखे जो भाग होते हैं, भाग और चेम्बर अलग अलग होते हैं। देखे भाग दो होते, भाग होते हैं दो भाग होते हैं, भाग होते हैं दो भाग होते हैं, ये वाला भाग वाला भाग, ठीक है। इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, बाया भाग। अब आगे सही बाया भाग, और दोस्तों इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, ये हमारा दाया भाग। क्या है दाया, अब बात कर लेते हैं इनके मध्य में एक रेखा होती है दोस्तों, यहाँ यहाँ पर रेखा होती है, अब इनको ये चेम्बर पोस्ट हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, हृदय में चार चेम्बर होते हैं आपको दिख रहा है, एक दो तीन भाग दो होते हैं और जो चेम्बर होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है, ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है, ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है, और नीचे जो वाले जो भाग होते हैं उन्हें नीला किले कहा जाता है, कहा जाता है किले कहा जाता है। बात करते हैं तो फेफड़े जो हमारे जो फेफड़े हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं बाहर निकाल, तो तीसरी क्रिया ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो हमारे जो रक्त होता है उसको जो ऑक्सीजन मिलती है वो फेफड़े ही मिलती है। क्या होता है साथियों, कहाँ से हमारा रक्त चलता है, फेफड़ों से, के
यहाँ से हमारा रक्त चलता है, और इस रक्त में ये वाला जो रक्त होता है, इस रक्त में क्या मिल जाती है, रक्त में ये वाला जो वाले जो बहना बहनी होती है, वाले जो बहनी होती है तो बोला जाता है, बोला जाता है पल्मोनेरी, है मेरे साथियों पल्मोनेरी है, पल्मोनेरी है, पल्मोनेरी आपको स्पष्ट तो इस वाले भाग जो वाला भाग होता है उसको बोला जाता है बायां आलिंद, जाता है जाता है बायां आलिंद। और दोस्तों इस वाले भाग को, वाले भाग को, वाले भाग को बोला जाता है बायां है। तो फेफड़ों से जो रक्त प्रवेश करता है वो सबसे पहले बायां आलिंद में प्रवेश करता है, आलिंद में प्रवेश करता है, बायां आलिंद में प्रवेश करता है। यहाँ से जब ये वाला बायां आलिंद भर जाता है तो रक्त यहाँ पर, रक्त किसमें जाता है तो रक्त इसमें आ जाता है, बायां नीले में रक्त प्रवेश करता है, रक्त इसके अंदर आ जाता है। फिर क्या होता है मेरे साथियों, रक्त यहां से और शरीर के विभिन्न अंगों तक, हमारी बॉडी होती है उसके विभिन्न अंगों तक, सब कोशिकाओं तक रक्त चलता है, कोशिकाओं तक रक्त। तो बायां आलिंद से तब हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाती है, ये होती है हमारी होती है कि हमारी, देखते हैं आगे चलते हैं। अभी क्या होता है फेफड़ों से, फेफड़ों से रक्त, रक्त में क्या मिल जाती, ऑक्सीजन मिल जाती है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन सहित जो रक्त होता है वो सबसे पहले बायें आलिंद में प्रवेश, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहां से निकलकर फिर हमारा जो रक्त होता है वो बाएं नीले में प्रवेश करता है। फिर बाएं नीले से जो शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है तो वो धमनियों के द्वारा, धमनियों के द्वारा शरीर की विभिन्न बॉडी तक रक्त जाता है, और हमारा जो शरीर होता है उसके अंदर जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा रक्त, यहाँ से, यहाँ से रक्त आता है, थोड़ी से रक्त आ रहा। अब जो रक्त है, अब जो रक्त के साथ क्या मिल गई, अब रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कौन सा रक्त हो, जब रक्त के अंदर CO2 मिल जाती है तो रक्त, तो लाने की जो जिम्मेदारी होती है, होती है का नाम है पल्मोनेरी धमनी, क्या आएगा। देखो मेरे साथियों, सिरा होते हैं वे हमेशा अशुद्ध रक्त प्रभावित होते हैं, लेकिन एक क्या है, एक अपवाद है, देखते हैं फेफड़ों से हृदय तक जो रक्त लाता है उसका नाम है पल्मोनेरी सिरा, इसमें एकमात्र इसी ही शुद्ध रक्त होता है। ये वाला, इसको बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है वो है बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद वाला भाग के बाद इसको कहते
काया काया, तो हमारी जो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त आता है तो हमारे दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में क्या करता है प्रवेश करता है, ये कंप्लीट हो जाता है तो रक्त खा जाता है, तो रक्त इस जाता है, रक्त दाएं नीले में आ जाता है, दाएं नीले से रक्त दोबारा रिपीट हो दोबारा ये फेंप दोबारा ये रक्त खा जाता है ये वाला जो रक्त ले जाती है एक अपवाद है क्योंकि धमनियों में हमेशा अशुद्ध शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है लेकिन ये एकमात्र अपवाद है पलमों मेरी धमनी क्या है पलमों नेरी क्या है ये ऐसा एक डायग्राम बनाया है मैंने आप लोगों को समझ में आए कि रक्त का परिसंचरण किस तरह से हमारी बॉडी अंदर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे फेफड़े होते हैं और फेफड़ों क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। फेफड़े संख्या में दो होते हैं, रक्त में जो ऑक्सीजन मिलती है वो फेफड़ों में ही मिलती है। फेफड़ों से हृदय तक रक्त को कौन लाता है तो वो है पल्मोनेरी, क्या होता है सिरा है। सबसे पहले फेफड़ों से रक्त कहां प्रवेश करता है तो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है फिर रक्त इससे यहां पर आता है। तो कहां पर जाता है रक्त तो बाएं नीले में आ जाता है। अब बाएं नीले से मतलब शरीर का ही क्या है कोष्ठ है, शरीर का ही क्या है भाग है और ये हृदय का क्या है कोष्ठ है। अब बाएं नीले से शरीर की विभिन्न अंगों तक जो रक्त को पहुंचाता है वो पहुंचाती है धमनी, जाती है। अब देखते हैं यहां से ये जो हमारा रक्त जा रहा है वो बाएं वाले भाग से पूरी बॉडी को मिलता है, सहित पूरी को मिलता है। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है CO2, तो हमारा जो रक्त होता है वो CO2 के साथ मिलकर फिर चलता है, सबसे पहले दाएं आलिंद में प्रवेश करता है ये वाला, के बाद ये जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये दाएं नीले में प्रवेश करता है, जहां से वापिस हमारा जो रक्त होता है वो फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो हमारे हृदय में ये प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहती है और रक्त का परिसंचरण रहता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। मेरे साथियों ये है हमारा रक्त परी, क्या होता है हमारे शरीर में जितने भी सिरा है उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त कौन सा, जिस रक्त में CO2 मिली रहती है उसे बोला जाता है अशुद्ध रक्त। लेकिन एक क्या है अपवाद है और उस सिरा का जो नाम है वो है पल्मोनेरी सिरा, क्या है पल्मोनेरी सिरा, ये हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जो धमनियां होती है उनमें हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक अपवाद है और वो कौन सा अपवाद है, ये वाला पल्मोनेरी इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित। तो हमारे अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है वो बंद होता है, होता है बंद रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रक्त परिसंचरण, एक होता है बंद रक्त परिसंचरण। हम देख हमारा जितना रक्त प्रवाहित हो रहा है वो सब बंद सिस्टम में हो रहा है, क्या है सिरा है फिर हृदय है फिर धमनी है में प्रवाहित होता है। मानव के अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र, कौन सा है बंद परिसंचरण, हमारे हृदय से जो रक्त प्रवाहित होता है वो दोबारा निकलता है, ऐसे जो रक्त निकलता है वो दोबारा निकलता है। आप देख सकते हो
एक बार ये वाला निकल रहा है और एक बार वो वाला आ रहा, तो मानव में दोहरा दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, रक्त परिसंचरण क्या है, रक्त परिसंचरण क्या है, रक्त। आप इस डायग्राम को ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक बात आपके सामने क्लियर। हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसके बारे में। कि हम रक्त परिसंचरण बात पहला जो की पॉइंट है वो है मानव देह का वजन, मेरे साथियों का वजन हो रहा है, मानव से का आकार, मानव हृदय का तो संकुच मानव से की सबसे सबसे भारी मानव हृदय की सबसे भारी हड्डी होती है पेरी कार्डियम, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो झिल्ली होती मानव से के अंदर का तरल पदार्थ होता है पेरी कार्डियम, कार्डियम क्या होता है, तब होता है। आगे चलते हैं, मानव से पोस्ट पम एमआर भी कहते तो होते हैं ए चार होते कर रहा हूँ। मानव हृदय का जो वजन है वो तीन, मानव हृदय का जो आकार होता है कौन संकुचित, मानव हृदय की सबसे पेरिकार्डियम झिल्ली, कार्डियम मानव हृदय के अंदर भरा तरल पदार्थ जो होता है पेरिकार्डियम द्रव खेत, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है चार। आगे चलते बात के बारे में बात करते के बात करते हैं, मेरे साथी जो भाग होते हैं वो दो भाग होते हैं दो भाग होता है, दाया भाग दाया भाग होता है दाया अगली हम बात करते हैं, मानव हृदय कोष्ठ होते
ना आलिंद। पाया नील आलिंद आया अंदर तरल पदार्थ हो जी ठीक है जो जी पेरिकार्डियम के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है तरल पेरी कार्डियम ये हमारे हृदय के इंपोर्टेंट एग्जाम जाती है का जो सेकंड सेकंड भाग होगा वो कल होगा। आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जो हमारे चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। आपको ये कैसी लगी है आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।